हेलो फ्रेंड्स हम कर रहे हैं के यू के अप्रैल 2015 का बीए का प्रोग्रामिंग इन सी का पेपर इसमें हमारा आज का टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस हैं ये एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है लास्ट लेक्चर में हमने फॉर एंड डू वाइल में डिफरेंस देखा था इसमें हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है कि ब्रेक इज़ यूज टू ब्रेक लूप और इटरेशन वेर एज़ कंटिन्यू कंटिन्यूज़ द लूप और इट्रेशन जैसे इनके नाम से ही पता चलता है लूप को तोड़ने के लिए लूप से बाहर आने के लिए हम ब्रेक की वर्ड का यूज़ करते हैं और लूप के अंदर कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है सेकेंड डिफरेंस है कि ब्रेक इज़ यूज विद स्विच केस लूप वेरज़ कंटिन्यू इज़ नॉट यूज विद स्विच केस तो ब्रेक को हम स्विच केस में यूज़ करते हैं और कंटिन्यू स्विच केस वाले स्टेटमेंट्स में यूज़ नहीं होता थर्ड डिफरेंस इनके नाम के अकॉर्डिंगली है कि ब्रेक स्टेटमेंट में आप कीवर्ड ब्रेक का यूज़ करते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट में जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है कंटिन्यू फोर्थ डिफरेंस इज ब्रेक ब्रेक्स लूप एंड अलो कमिंग आउट फ्रॉम इट वाइल कंटिन्यू अलाउज इटरेटिंग इन द लूप तो ब्रेक हमें परमिशन देता है कि हम लूप से बाहर आ सकें या प्रोग्राम जो है वो लूप करेंट लूप को छोड़कर लूप के बाहर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके जबकि कंटिन्यू में आप लूप के अंदर की ही कंडीशंस को अंदर के स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं तो लूप के अंदर ही अंदर कंटिन्यू काम करता है और लूप को तोड़कर बाहर निकलने के लिए ब्रेक यूज होता है फिफ्थ डिफरेंस ब्रेक इज वैन वी वॉन्ट टू ट्रांसफ़र कंट्रोल आउटसाइड द लूप वेरज कंटिन्यू इज़ यूज वैन वी वॉन्ट द कंट्रोल टू रिमेन इन द सेम लूप तो ब्रेक की हेल्प से जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर चला जाएगा यानी ब्रेक की हेल्प से जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगा और लूप के बाहर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जबकि कंटिन्यू में नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम ब्रेक की वर्किंग देखें तो इसके लिए हम ये फ्लो चार्ट समझ सकते हैं तो इसमें पहले एंट्री कंडीशन होती है एंट्री के बाद लूप के अंदर कंडीशन चेक होती है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा से वो लूप में जाता है और कंडीशन फिर से चेक होती है ये तब तक चलता रहता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती कंडीशन के फॉल्स होने पर ब्रेक स्टेटमेंट आता है और लूप टर्मिनेट हो जाता है अब इसी तरह हम कंटिन्यू का स्टेटमेंट फ्लो चार्ट देखते हैं तो इसमें पहले लूप में एंट्री होती है कंडीशन चेक होती है कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट पे जाता है और फिर से वो कंडीशन चेक करता है अगर कंटिन्यू कंडीशन फॉल्स है कंटिन्यू नहीं करना है तो कोड इनसाइड बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप एग्जिट हो जाता है तो यहाँ पर आप देखिए कि कंटिन्यू के बाद अगर कंटिन्यू कीवर्ड आता है तो बॉडी का नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होता है लूप के अंदर ही अदरवाइज वो फिर से कंडीशन चेक करके उतने पार्ट को स्किप कर देता है तो कंटिन्यू प्रोग्राम कंट्रोल को लूप के अंदर ही रखता है जबकि ब्रेक प्रोग्राम कंट्रोल को प्रोग्राम के लूप के बाहर भेज देता है तो ये आपके मेन डिफरेंसेस हैं कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बीच में अब हम इनका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें ब्रेक की वर्किंग देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस एग्जांपल का ऑब्जेक्टिव है कि ये कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल लेगा 50 तक का और अगर कोई नेगेटिव नंबर इसके पास आता है तो ये लूप से एग्जिट कर देगा तो इसके लिए एक डू की यूज़ किया है हम डू वाई लूप यूज़ कर रहे हैं डू करली ब्रैकेट स्कैन एफ परसेंट एफ एम परसेंट एक्स परसेंट एफ इसलिए लिया है क्योंकि हम इसमें कोई भी फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं और उसको हम एक्स वेरिएबल में स्टोर कर देंगे फिर कंडीशन है इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो यानी कि अगर एक्स की वैल्यू आपने नेगेटिव नंबर में डाली है तो क्या होगा तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे इफ़ एक्स इज़ लेस देन जी अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कम है यानी कि वो नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ एरर देंगे प्रिंट एफ़ ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट एरर नेगेटिव वैल्यू फॉर एक्स और फिर हम लूप से ब्रेक कर जाएंगे तो ये है ब्रेक का यूज़ तो यहाँ पर आपकी इफ़ कंडीशन कम्पलीट हो जाती है फिर आपके स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक्स हैं और फिर कंडीशन चेक होती है वाई एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फिफ्टी और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक्स की वैल्यू फिफ्टी से कम रहती है या फिफ्टी के इक्वल आ जाती है तो इस स्टेटमेंट में हमने देखा कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से आप लूप को टर्मिनेट कर लूप कर से बाहर निकल सकते हैं तो ये स्टेटमेंट लूप को एग्जिट करने के लिए ब्रेक का यूज़ दिखाते हैं आइए हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्ज़ाम्पल सेम एग्ज़ाम्पल हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं टू प्रोसेस फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल अप टू फिफ्टी एंड फ्लैग एन एरर मैसेज ऑन एनकाउंटिंग या नेगेटिव नंबर यानी कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो एरर मैसेज आएगा अदरवाइज वो प्रोसीडिंग करता रहेगा फिफ्टी तक की वैल्यू लेगा तो इसमें भी हम डू वाइल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं डू करली ब्रैकेट्स स्कैन एफ परसेंट एफ एम परसेंट एक्स सेमी इफ़ एक्स इज़ लेस देन जीरो यानी एक्स अगर नेगेटिव आया है तो प्रिंट एफ इनपुट एरर नेगेटिव वैल्यू फॉर एक्स करली ब्रैकेट्स सेमीकॉलन एंड देन कंटिन्यू तो यहाँ कंटिन्यू कीवर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं और फिर आपका लूप कंप्लीट हो जाता है और कंडीशन आती है वाइल एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू फिफ्टी तो इस तरीके से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से करेंट लूप को टर्मिनेट करके उसके अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ हम लूप्स में ही यूज़ कर सकते हैं अगर लूप के अंदर आपका कंटिन्यू नहीं है तो एरर दे सकता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट हमेशा वाइल डू वाइल या फॉर लूप के अंदर ही आना चाहिए जबकि ब्रेक को आप स्विच में भी यूज़ कर सकते हैं तो ये है ब्रेक और कंटिन्यू के बीच के वो भी आपको ये वीडियो समझ में आई होगी प्रोग्राम को रन करके देखिए और आउटपुट चेक कीजिए